Hello, good morning students. How are you? I hope you all fine at home. Last time मैंने आपको lesson number जो 12 था punctuations, वो punctuation explain किया था. I hope आपने उसका जो homework है मैंने PDF send की थी, workbook और notebook में complete कर दिया होगा, okay? So today our video lecture is for standard 4 subject grammar, lesson number 13 and 14, okay? So let's start. In this video lecture, we will start lesson number 13. Annoyance and synonyms. Okay, annoyance and synonyms. और जो lesson number 14 है, वो कौन सा है? Lesson number 14 है females and analogies. Okay. So lesson number 13. Let's start lesson number 13. In this video lecture, we will start lesson number 13 and lesson number 14. Okay, so let's start lesson number 13. Annoyance and synonyms. जो एंटोनिम्स क्या होता है सेल, बाय का एंटोनिम्स क्या होता है सेल, यानी कि ऑपोजिट क्या होता है
क्वेश्चन नंबर ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके टर्न योर पेज, यहाँ पे क्या है सिनोनिम्स, टर्न योर पेज पेज नंबर 17 सिनोनिम्स। वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स, जो सेम मीनिंग होते वर्ड्स दोनों होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं बट उसका जो मीनिंग होता है सेम मीनिंग्स होते हैं, एक से एक जैसा मीनिंग होता है, वर्ड्स दोनों अलग अलग होते हैं पर मीनिंग सेम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं सिनोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल रिच और वेल्दी, रिच है तो उसको भी और वेल्दी तो दोनों का मीनिंग सेम होता है पर वर्ड्स जो है वो अलग अलग है तो उसको क्या कहते हैं सिनोनिम्स। जो वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है उसको क्या कहते हैं सिनोनिम्स। ओके सो मेमोराइज दिस सिनोनिम्स, यहाँ पे पेज नंबर 17 मेमोराइज दिस सिनोनिम्स, यहाँ पे जो सिनोनिम्स वर्ड्स दिए वो आपको मेमोराइज करने। ओके सो मैं एक बार आपको रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, वो आपको घर पे बैठ के लर्न करना है, मेमोराइज करना है। एंग्री एनर्ड, कॉपी करते किसी की हम कॉपी करते उसको क्या बोलते हैं मिमिक भी बोलते हैं, मिमिक्री करते हैं ना कॉपी करते हैं तो उसको मिमिक भी बोलते हैं। गिफ्ट तो मैंने अभी आपको पहले जो एक्सप्लेन किया सेम चीज होती है वही, तो गिफ्ट गिफ्ट और प्रेजेंट दोनों एक ही है, वर्ड्स दोनों अलग अलग है, गिफ्ट और प्रेजेंट वर्ड्स दोनों अलग अलग है बट उसका मीनिंग क्या है सेम है। गिफ्ट देना होता है किसी को हमें और प्रेजेंट देना होता है तो वो भी मीनिंग सेम है। कपल पैर, कपल भी बोल सकते हैं पैर भी बोल सकते हैं, कपल भी मतलब समझ में आ गया होगा कि दो लोग होते तो उसको कपल बोलते हैं, दो लोग होते तो उसको पैर भी बोलते हैं तो ये दोनों का मीनिंग सेम है बट वर्ड्स अलग अलग है तो दोनों जो वर्ड्स अलग अलग होते हैं पर मीनिंग सेम होता है उसको क्या बोलते हैं सिनोनिम्स। ओके एलो परमिट, किसी चीज़ को हम एलो करते हैं या फिर उसको परमिशन देते हैं यानी कि परमिट करते हैं तो ये दोनों चीज़ का दोनों वर्ड्स है वो अलग अलग है पर इसके दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है। ओके ऐसे नीट टाइडी फैट प्लम हरी एस्टेन ये पाइप तीन लीन पेन एच टॉप समिट गार्ड प्रोटेक्ट गार्ड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वाइल्ड कॉन्सियल हाइड एक्यूरेट करेक्ट चीज स्टॉप स्टार्ट बिगेन डर्टी ग्रीन पी डर्टी ग्रीनी फायर डिस्टेंस फायर दूर डिस्टेंस यानी दूर डिस्टेंस भी होता है ना तो दोनों का मीनिंग सेम होता है वैसे। डिसअपीयर वैनिश आंसर रिप्लाई, हम किसी को बोलते कि रिप्लाई करो या फिर आंसर दो तो आंसर और रिप्लाई दोनों का मीनिंग सेम है कि हमें जवाब चाहिए, रिप्लाई करो यानी कि हमें जवाब चाहिए, आंसर दो यानी कि हमें जवाब चाहिए तो दोनों का मीनिंग सेम है बट आंसर और रिप्लाई तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है बट उसका मीनिंग सेम है तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं सिनोनिम्स। जो से वर्ड्स अलग अलग होते हैं बट उसका मीनिंग सेम होता है उसको क्या बोलते हैं सिनोनिम्स। तो यहाँ पे आपको सारे जो वर्ड्स है वो सिनोनिम्स के वो आपको मेमोराइज करने लर्न करना। ओके सो क्वेश्चन नंबर बी राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, यहाँ पे जो सिनोनिम्स है यहाँ पे जो सेंटेंस में आपको बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है सिनोनिम्स उसका आपको यहाँ पे सामने जो लेटर्स ब्लैंक है उसमें सिनोनिम्स लिखना है। ओके सो फर्स्ट माय पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी टू स्टे आउट लेट एट नाइट, तो अलाउ अलाउ का सिनोनिम्स क्या होगा परमिट, तो यहाँ पे क्या लिखना है परमिट। सो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट करना है। ओके सो यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 13 था एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वो कंप्लीट हो चुका है। ओके सो नेक्स्ट अवर नेक्स्ट लेसन नंबर 14 सिनोनिम्स एंड एनालॉजीज। ओके Similar quality.
सिमिलर क्वालिटी, सिमिल्स मीन सिमिलर क्वालिटी, कोई जो चीज़ होती है, कोई सेंटेंस होता है, कोई वर्ड्स होता है, तो दो उसका जो सिमिलर क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिमिल्स। ओके, सिमिल्स आर यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग बाय कंपेयरिंग देम टू अनदर दैट इज फेमिलियर। यानी कि कोई जो चीज़ होती है, कुछ होता है, तो उसको कंपेयरिंग करना होता है, तो उसके लिए कंपेयरिंग करना होता है दूसरी चीज से, अनदर चीज से, तो ये उसको क्या बोलते हैं, सिमिल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी शी वेरी बिजी स्टूडेंट्स ऑलवेज स्टडिंग वी कंपेयर देम विद अ बी बिकॉज इट इज ऑलवेज बिजी ऑल डे लॉन्ग इन कलेक्टिंग नेचर फ्रॉम फ्लावर्स। सो यहाँ पे दोनों चीज को हमें कंपेयर करना है। We say as busy as me, okay? So हम short में क्या कहेंगे, as busy as a bee, bee किसे से busy है, it mean very busy। तो यहाँ पे दो चीज़ को compare करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, same quality होती है, दोनों busy है, तो उसको दोनों चीज़ को compare करने के लिए जो दोनों चीज़ को compare किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, similes, okay? So यहाँ पे है पेज, ओपन योर पेज नंबर 71, ओपन योर बुक, ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 71, लर्न दिस सिमिल्स। यहाँ पे जो सिमिल्स दिए हैं आपको लर्न करना है। ओके, एज बिजी एज एबीसी मीन्स वेरी सिंपल, एज कोल्ड एज आइस मीन्स वेरी कोल्ड, एज बिग एज एन एलिफेंट हाथी की जैसा बिग मीन्स वेरी बिग बहुत बिग बड़ा बिग, as clean as a wise whisker means very clean, as black as a coal means completely totally black, as bright as lion lion ka jaisa bright means very bright bahut baadu, okay, as hairy as a warrior means very hairy as a gorilla hai, hairy ya pura kaisa gorilla jaisa, उसका मतलब क्या होता है, वेरी हैरी, एस एस टाइनी एज अ माउस मींस वेरी टाइनी, एस ग्रेसफुल एज स्वान तो स्वान जैसा ग्रेसफुल है मतलब वेरी ग्रेसफुल, एस डिप एज एन एडर मींस कंप्लीटली डिप, एस स्टबर्न एज मोल मींस वेरी स्टबर्न, as swift as a deer means very swift, as blind as bat means completely blind। तो यहाँ पे ऐसे जो सिमिल्स दिए हैं आपको तो आपको लर्न करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट द सिमिल्स। यहाँ पे आपको मैंने आगे जो सिमिल्स है वो एक्सप्लेन किए वही यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए हैं तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट दिस सिमिल्स। यहाँ पे बॉक्स में आपको सिमिल्स के आंसर्स दिए तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट नीचे एनालॉजीज, एनालॉजीज क्या है, नेचर एंड एनालॉजीज इज कंपैरिजन ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन पेयर्स ऑफ थिंग व्हिच आर अदरवाइज अनलाइक, दिस सिमिलैरिटीज कैन बी डिफरेंट काइंड्स, फॉर एग्जांपल गर्ल इज टू वुमन एज बॉय इज टू मैन, गर्ल है वो वुमन, गर्ल्स है वो क्या है, वुमन, और बॉय है वो क्या है, मैन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग है, गर्ल और बॉय दोनों अलग अलग है पर उसका
का ग्रो होता है वो क्या बनता है, मेन बनता है। थस द एनालॉजी इज क्लियर, यहाँ पे आपको एनालॉजी है वो क्लियर हो गया होगा। ओके सो क्वेश्चन और बी कंप्लीट द एनालॉजीज बाय फाइंडिंग अ रिलेशन। यहाँ पे जो आपको एनालॉजीज दिया है तो उसके सामने आपको रिलेशन फाइंडिंग करके लिखना है। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। सो अवर लेसन नंबर 14 सिविल्स एंड एनालॉजीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके सो हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर है जो 15 है, हमारा जो नेक्स्ट लेसन नंबर 15 है कौन सा है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लेसन नंबर 15 है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके हमारा जो लेसन नंबर 15 है प्रीफिक्स एंड सफिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो वी कंबाइन वन वर्ड विथ अनादर वर्ड टू मेक अ कंपाउंड वर्ड ऑफ अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल न्यूज प्लस पेपर, न्यूज पेपर। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक है क्या है न्यूज है प्लस यहाँ पे पेपर, पूरा वर्ड्स क्या बन गया न्यूज पेपर। ये दो वर्ड है, एक न्यूज है और दूसरा वर्ड है पेपर, तो न्यूज पेपर ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या हो गया पूरा न्यूज पेपर। ओके वॉच प्लस मैन, वॉच हम हाथ में पहनते प्लस मैन, तो ये दूसरा नया वर्ड क्या हो गया वॉचमैन। डे प्लस ब्रेक, तो क्या हो गया डे ब्रेक। इन प्लस कम, तो क्या हो गया इनकम यानी कि सैलरी। ओके सो वी ऑल्सो मेक न्यू वर्ड बाई यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वी ऑल्सो मेक न्यू वर्ड बाई यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हमें ऐसे नए वर्ड बनाने हैं यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज करके हमें नए वर्ड बनाने हैं। ओके प्रीफिक्स इट इज अ सिलेबल और वर्ड जॉइंट टू बिगनिंग ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सिलेबल मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो मीनिंग। सफिक्स इट इज अ सिलेबल और वर्ड जॉइंट टू एंड ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू रूट वर्ड, दोनों को एड करना है और रूट वर्ड होता है। ओके रूट वर्ड हैज इट्स वन मीनिंग, रूट वर्ड का एक मीनिंग होता है, बट इट कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू मीनिंगफुल वर्ड्स एज अ कंपाउंड वर्ड कैन बी स्प्लिट। We form a new word by adding a prefix or suffix or word to the root word. Example, prefix and plus root word joy. Enjoy. Prefix word कौन सा है एम, prefix word कौन सा है एम plus जियो by joy, तो कौन सा word हो गया enjoy। तो यहाँ पे ये जियो by joy वो क्या है suffix है। बट सफिक्स फुल, तो ब्यूटीफुल। प्रीफिक्स अन प्लस रूट वर्ड काइंड प्लस सफिक्स एल वाई, तो अनकाइंड। ऐसे प्रीफिक्स वर्ड्स और सफिक्स, तो ऐसे दोनों को ऐड करके क्या बनता है पूरा नया वर्ड बनाना है। ओके डिफरेंट प्रीफिक्स कैन ऐड पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट मीनिंग टू वर्ड्स। जो डिफरेंट प्रीफिक्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग भी होते हैं। एग्जाम्पल एंड प्लस करेज, तो क्या हो गया एनकरेज, तो इंक्रीजिंग कवरेज, ये क्या है इंक्रीजिंग करेज है। डिस प्लस करेज, तो डिसकरेज।
sum prefix. Page number 73, learn some prefix. यहाँ पे कोई है वो prefix दिए हैं, able, courage, close, enable, encourage, enclose, large, reach, danger, enlarge, enrich, endanger, M. M वाले है क्या है? Power, empower, meter, ammeter. Okay? E. Correct, incorrect, visible, invisible. In. Patent, impatent. Proper, improper. This. Period, disappear. Connect, disconnect. Un. Common, uncommon. Happy, unhappy. Okay? So add a prefix to the word in board. Yahan pe filling the blanks aapko complete karni hai. Okay? Next. लर्न सम सफिक्स. यहाँ पे जो सफिक्स वर्ड्स थे वो आपको लर्न करने हैं, रिमाइंड करने हैं, आपको घर पे बैठे मेमोराइज करने के. फुल तो क्या आता है? जॉय, जॉयफुल. वंडर, वंडरफुल. नेस, जो नेस होता है वो एनी डबल एक्स. नीट, नीटनेस. काइंड, काइंडनेस. मैन, मैनेज, मैनेजमेंट. इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट. Govern, government. Judge, judgment. L, improve, improver. Arrive, तो arrive में L use किए करेंगे तो क्या होगा? Arrival. Age, तो age यानी कि कौन सा? A G E वाला age. तो यहाँ पे Mary, Mary word में क्या use add करेंगे? A G E L. तो क्या होगा? Marriage. Store, तो क्या होगा? A G add करेंगे तो storage. Action, तो इन्फर, तो इन्फॉर्मेशन. डेकोरेट, तो क्या होगा? क्या होगा? ऐड करेंगे एशन तो डेकोरेशन. सेशन, तो एडमिट प्लस सेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा? एडमिशन. परमिट, परमिट फिर शन ऐड करेंगे तो क्या होगा? परमिशन. ओके, ऐसे. एंड्स, तो रिसाइड, रिसाइडेंस. डिफर, डिफरेंस. तो ऐसे यहाँ पे जो सफिक्स वर्ड्स हैं और प्रीफिक्स वर्ड है वो आपको लर्न करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर बी, एड सफिक्स टू द वर्ड इन बोर्ड. यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपको जो सफिक्स वर्ड है वो कंप्लीट करने हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.